अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुल किले के कैदखाने में मौजूद था और किले के सिपाहियों को मार रहा था, जबकि दुंदार ने हथकड़ी की चाबी हासिल कर ली थी। इस किस्त के आगाज में अर्तुल बाकी कुछ सिपाहियों का भी खात्मा कर देता है और अंदर दुंदार के पास पहुंच जाता है। दुंदार आज़ाद हो चुका था। दुंदार कहता है, भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे मर जाना चाहिए था। अर्तुल कहता है, तुम जानते हो कि हम अपने किसी आदमी को पीछे नहीं छोड़ते। दुंदार कहता है, मेरी वजह से इतने सिपाही शहीद हो गए हैं, मैं जिंदा रहने का हकदार नहीं हूँ। अर्तुल कहता है, ये इन बातों का वक्त नहीं है दुंदार, हम कबीले जाकर इस मामले को देख लेंगे। फिर वो दुंदार को उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। बाहर सहन में आलियार और अर्तुल के सिपाही किले के बाकी सिपाहियों को भी मुसलसल मारने में मसरूफ थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो तमाम सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। अंदर अर्तुल और उसके साथी दुंदार को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि इतने में पीछे से कुछ सिपाही आ जाते हैं। अर्तुल कहता है, दुमरुल तुम दुंदार को यहाँ से ले जाओ, हम इनको देख लेते हैं। इसके बाद अर्तुल और तुर्गुत दोनों मिलकर उन सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। कुछ देर में वो सबको मार डालते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उराल भी कुछ सिपाहियों के साथ कैदखाने में पहुंच जाता है, लेकिन दुंदार को गायब देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है। एक सिपाही उसे बताता है कि वो लोग दुंदार को ले गए हैं। यह सुनकर वो सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल के तमाम साथी बाहर सहन में पहुंच चुके थे। अर्तुल कहता है, चलो उस निकासी वाले नाले की तरफ चलो। फिर वो सब गवर्नर हाउस से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उराल भी बाहर सहन में पहुंच जाता है, लेकिन वो सब जा चुके थे। फिर उराल कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ गए होंगे, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो सब भी बाहर की तरफ भागते हैं। अर्तुल और उसके साथी उस नाले तक पहुंच चुके थे जो किले के बाहर निकलता था। फिर वो सब बारी बारी उस नाले में दाखिल होने लगते हैं। तुर्गुत अर्तुल को कहता है, अल्लाह करे कि बामसी हलियाना को बाहिफाजत वहां से निकाल ले, फिर हम वसूली इसको किले में जिंदा दफन कर देंगे। अर्तुल कहता है, जब मैं अगली दफा यहाँ आऊंगा तो अपना झंडा लहरा दूंगा और वसूली इसकी लाश को किले की दीवारों के साथ लटका दूंगा। इतने में वसूली इसके कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद सब का खात्मा हो जाता है और फिर अर्तुल और उसके साथी भी नाले में दाखिल हो जाते हैं। रास्ते में आलियार कहता है, एक दफा मैं अपने कबीले पहुंच जाऊं, मैं अजार और उसकी बेटी का सर उतार दूंगा। अर्तुल कहता है, मैं उनको अपने कबीले में सजा देना चाहता हूं आलियार साहब, ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाएं। आप उन दोनों को और त्यो को लेकर हमारे कबीले में आ जाना। आलियार कहता है, सही कहा आपने, चलें फिर इस काम को खत्म करते हैं। फिर वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तुर्गुत नाले को अंदर की तरफ से बंद करने लगता है और आगे बड़े बड़े पत्थर रख देता है। दूसरी तरफ हलैना भागने लगती है, जबकि वसूली के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर में वो हलैना के पास पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक सिपाही कहता है, आप हमसे क्यों भाग रही हैं? इतने में बामसी वहां पहुंच जाता है। हलैना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वसूली के सिपाही हलैना को पीछे करके बामसी पर हमला कर देते हैं। इस तरह बामसी उन साहब को खत्म कर देता है। फिर हलैना भागकर बामसी के गले लग जाती है और कहती है, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे बामसी। इसी दौरान एक सिपाही छुप कर यह सब कुछ देख रहा था। बामसी शर्माते हुए हलैना को कहता है, ये क्या कर रही हैं आप, रुक जाएं। फिर बामसी कहता है, मैं आपको कैसे इन वैश्यों के हाथों में रहने दे सकता था। हलैना कहती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती बामसी, तुमने एक दफा फिर मेरी जान बचा ली है। इतने में बामसी के बाकी सिपाही भी आ जाते हैं। बामसी उन्हें कहता है, चलो भाइयों वापस अपने कबीले चलते हैं। फिर वो सब हलैना को लेकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काराजैसर में उराल काफी सारे सिपाहियों को लेकर अर्तुल को ढूंढ रहा था। फिर वो उस निकासी वाले नाले के करीब पहुंच जाता है और कहता है, लानत हो वो भाग गए हैं। फिर वो सिपाहियों को कहता है, फौरन उनके पीछे जाओ। एक सिपाही नाले के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आकर उराल को बताता है कि उन्होंने पत्थर आकर सुराख बंद कर दिया है, हम यहाँ से उनका ताकुब नहीं कर सकते। यह सुनकर उराल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, अर्तुल मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा, तुम्हारी वालदा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे के सामने मैं तुम्हारी जान लूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा अर्तुल। कायक बीले में आयमा खातून मरकजी खेमे के बाहर बैठकर अपने बेटों का इंतजार कर रही थीं और अल्लाह से दुआ मांगती हैं, या अल्लाह मेरे बच्चों के लिए काम आसान कर दे और उन्हें सही सलामत यहाँ पहुँचा दे।
दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियस वापस गवर्नर हाउस में पहुंच जाता है और वहां हर तरफ लाशें देखकर हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो शदीद गुस्से में कमांडर को आवाजें देने लगता है। कुछ देर में कमांडर निकलकर बाहर आ जाता है। वसूलियस उससे पूछता है, कैसे हुआ ये सब और वो अंदर कैसे दाखिल हुए? कमांडर कहता है, वो हमारे सिपाहियों का लिबास पहनकर आए थे जनाब। हमारे आदमी समझे कि वो निकाया से आने वाले सिपाही हैं। उन्होंने फौजी एजाज के साथ उनका इस्तकबाल किया। वसूलियस कहता है, वाह, ये वो किला है जो अपने दुश्मनों को गले लगाता है और अपने दुश्मनों को पहचानता ही नहीं। फिर वसूलियस उससे पूछता है, बड़ा कमांडर कहाँ है? कमांडर इशारा करके कहता है, वो मर गए हैं जनाब। वसूलियस एक नज़र उस मुर्दा कमांडर को देखता है और फिर दूसरे कमांडर का भी गला काट देता है। फिर उराल कहता है, हमने उनका पीछा किया था लेकिन वो निकासी वाले नाले के जरिए भागने में कामयाब हो गए हैं। फिर वसूलियस रोने और चीखने लगता है। काल कबीले में बामसी वापस पहुंच चुका था और हाइमा खातून के पास जाकर कहता है, हाइमा वालदा, मैं आपके लिए एक मेहमान लाया हूं। फिर वो एलेना को अंदर बुलाता है। एलेना अंदर दाखिल होते हुए कहती है, क्या आप इस गैर मुतवक्को मुसाफिर को कबूल करेंगी हाइमा वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, खुश आमदीद बेटी। एलेना उनका हाथ चूमती है। फिर हाइमा खातून उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटी। अब तुम हमारे ख़ानदान का एक हिस्सा हो। अगर तुम चाहो तो यह तुम्हारा मुस्तकिल घर बन सकता है। एलेना कहती है, मेरा आप लोगों के बगैर कोई नहीं बचा हाइमा वालदा। अब यह कबीला मेरा घर है। यह सुनकर हाइमा खातून मुस्कुराने लगती हैं। कारा जैसर में वसूलियस सख्त गुस्से में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। चोलपन पूछती है, वसूलियस, मेरी कज़न एलेना कहाँ है? वसूलियस कहता है, मैंने अपने सिपाही भेजे हैं, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। इतने में वसूलियस का कमांडर एक सिपाही को लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, जनाब, ये सिपाही आपको कुछ बताना चाहता है। फिर वो सिपाही कहता है, तुर्कों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था जनाब, वो एलेना को ले गए हैं, बल्कि एलेना खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई है। ये सुनकर वसूलियस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जबकि चोलपन उराल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो सिपाही कहता है, मेरे अलावा सब मर गए हैं जनाब, मैं फौरन आपको बताने के लिए यहाँ आ गया। वसूलियस खड़ा हो जाता है। सिपाही कहता है, खुदा के लिए मुझे मत मारें। वसूलियस अपनी तलवार गिरा देता है और उस सिपाही को पकड़ कर कहता है, तो गद्दार तुम थे, शुरू से तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे थे। फिर वसूलियस उसका गला दबाकर मार देता है और फिर नीचे लेटकर रोने लगता है। दूसरी तरफ काय कबीले में कबीले के ढोल बजने लगते हैं। अर्तुरुल और उसके साथी वापस पहुंच चुके थे। कबीले के लोग अर्तुरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। थोड़ी देर में हाइमा खातून वगैरह भी बाहर निकल आती हैं और उन साहब को देखकर खुश हो जाती हैं। धुंधार घोड़े से उतरकर अपनी वालदा के पास आ जाता है और वह दोनों गले मिलते हैं। फिर हाइमा खातून अर्तुरुल को कहती हैं, तुमने धुंधार को सही सलामत लाकर मुझे बहुत खुश कर दिया है बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला है। इतने में बानो जिजिक भी अंदर से आ जाती है। धुंधार उसके सामने जाकर कहता है, मुझे माफ़ कर दें बाजी, मुझे माफ़ कर दें। बानो जिजिक कहती है, जब दुआन बर्फ़ की तरह ठंडा होकर ज़मीन में दफन हो चुका है तो अब मैं कैसे माफ़ कर दूँ? अब आप मुझे बताओ धुंधार साहब, क्या वो अपने बच्चे को कभी देख पाएगा? क्या वो दोबारा मेरे खेमे में आ सकेगा? यह कहकर बानो वापस खेमे की तरफ चली जाती है और धुंधार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाइमा खातून उसे दिलासा देती हैं। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, कबीले के भाइयों और बहनों, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने अपने बेटों और अपने खावनों को जंग पर भेजा। हम कबीले के लिए फतह लाए हैं लेकिन अभी भी हम गम में हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कारा जैसर किले पर अपना झंडा नहीं गाड़ देते। अल्लाह हमारा ये पाक मकसद पूरा करे या हमें शहादत नसीब करे। सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अलियार और कुतलुजा अजार के पास पहुंचते हैं। अलियार कहता है, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है अजार, हमने धुंधार साहब को बचा लिया है, अब सिर्फ तुम और तुम्हारी गद्दारी बची है। अजार कहता है, मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। अलियार कहता है, तुम्हारी बेटी एतराफ़ कर चुकी है, उसने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम दोनों ने मिलकर यह खेल खेला और कैसे तुमने फौरन उराल तक खबर पहुंचाई। अजार कहता है, यह झूठ है, गुनेली ने तशद्दुद से बचने के लिए ऐसा किया है। तुम जालिम इंसान हो अलियार। अलियार कहता है, कल तुम मर जाओगे अजार। फिर अलियार कुतलुजा को इशारा करता है। कुतलुजा अजार को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और फिर अलियार बाहर निकल जाता है। काय कबीले में आयमा खातून धुंधार के जख्मों पर मरहम लगा रही थी और कहती हैं, मेरे दोनों बेटे सही सलामत हैं, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। फिर वो धुंधार को कहती हैं, उन्होंने कितना तशद्दुद किया है तुम्हारे ऊपर बेटा। धुंधार कहता है,
मैं इसका हकदार था वालदा, मैंने गलती की थी, मेरी वजह से दुआन चला गया है। मैं अपनी गलती की तलाफी नहीं कर सकता, मैंने अपने भाई और भाभी की बात भी नहीं सुनी। इतने में बामसी हेलेना को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अर्तुल कहता है, खुश आमदीद हेलेना, आपको देखकर खुशी हुई। हेलेना कहती है, आपने मेरे लिए जो किया इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, आप हमारी अमानत हैं हेलेना, हम आपको किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करने दे सकते थे जिससे आप नफरत करती हों। अब आप हमें बताएं, आप जहाँ जाना चाहो हम आपको ले जा सकते हैं। हेलेना कहती है, यह कबीला मुझे अपने घर जैसा महसूस हो रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अर्तुल मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर आप यही चाहती हैं तो आपसे ये आपका कबीला है और आपका घर है, आपसे आप मेरी बहन हो, मेरी वालदा आपकी वालदा हैं और हलीमा को अपनी बहन समझो। फिर अर्तुल बामसी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।